नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ व्याकरण विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जिसका नाम है वाच्य। अच्छा, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं उसमें हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है तो वाच्य से संबंधित 2 से 4 नंबर के लिए प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वाच्य से संबंधित प्रश्न आपका कभी गलत ना हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि वाच्य किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं और वाच्य से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और वो ऐसे प्रश्नों में बच्चों को डाउट्स कहाँ आते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपका यही प्यार हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वाच्य कहते किसे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वो वाच्य कहलाता है। तो ध्यान देना, वाक्य में क्रिया, कोई वाक्य है तो उसमें क्रिया होगी। अब जब क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होगा, मुख्य संबंध कर्म से होगा, मुख्य संबंध भाव से होगा, तीन चीजों से संबंध होगा, कर्ता से, कर्म से, भाव से, तो वो वाच्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अभिजीत पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, अभिजीत के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब अगर पहले एग्जाम्पल में बात करें तो कर्ता कौन है? अभिजीत। कर्ता कौन है? अभिजीत, ये कर्ता है। अब क्रिया क्या है इसमें? पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है का संबंध किससे है? अभिजीत से। मतलब यहां क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अभिजीत के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ी जा रही है। अब पढ़ी जा रही है का संबंध अभिजीत से है क्या, कर्ता से है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्ता तो पुल्लिंग है। तो यहां पढ़ी जा रही, पढ़ी जा रही मतलब स्त्रीलिंग है, तो यहां क्रिया का संबंध किससे है? कर्म से है। कर्म क्या है? पुस्तक। पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही। तो ध्यान देना, क्रिया का जब मुख्य संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से, वही वाच्य कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अगर इंग्लिश की बात करें तो कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वाइस, कर्मवाच्य मतलब पैसिव वाइस और भाववाच्य मतलब इम्पर्सनल वाइस। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं, वो जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि क्रिया किसे कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया, क्योंकि वाच्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अगर कोई है तो वह क्रिया, क्योंकि क्रिया का ही संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का ही संबंध कर्म से होता है और क्रिया का ही संबंध भाव से होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया। तो हमें यहां यह समझना पड़ेगा कि क्रिया कहते किसे हैं। तो ध्यान देना, कार्य का होना जो बतलाए उसे हम क्रिया कहते हैं, या जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे युक्ति चित्र बना रही है, तो बना रही है क्या क्रिया हो रही है? चित्र बना रही है। निधि गीत गा रही है, तो कौन सी क्रिया हो रही है? गीत गा रही है, गीत गा रही है। तो क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया।
और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब वाच्य पढ़ रहे हैं तो इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। और ये चीज में सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है, तो आज मैं आपका यही वो डाउट क्लियर कर देता हूं। क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिक सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया की ट्रिक क्या है, क्या किसको लगाने से उत्तर मिल जाता है, ध्यान देना, क्या किसको लगाने से उत्तर मिल जाता है, और अकर्मक क्रिया का ट्रिक क्या है, क्या किसको लगाने से उत्तर नहीं मिलता। स मतलब साथ, ध्यान देना, स मतलब साथ, किसके साथ, कर्म के साथ, तो सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, और अकर्मक मतलब बिना कर्म के, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती है, मतलब सकर्मक क्रिया में आपको कर्ता के साथ कर्म भी मिलेगा, क्रिया भी मिलेगी, जबकि अकर्मक क्रिया में आपको सिर्फ कर्ता और सिर्फ क्रिया मिलेगी, अकर्मक क्रिया में आपको कर्म नहीं मिलेगा। ध्यान देना, कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया, जो बिना कर्म के होती है वो अकर्मक क्रिया। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, प्रिशा आम खा रही है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, क्या किसको लगाने से उत्तर मिल जाए, तो प्रिशा क्या खा रही है, तो प्रिशा क्या खा रही है, तो प्रिशा आम खा रही है। प्रिशा किसको खा रही है, तो प्रिशा आम को खा रही है, मतलब इसमें कर्म है, ये सकर्मक क्रिया। अदिति लिख रही है, लिख रही है, तो क्या से तो प्रश्न मिला, अच्छा ये क्या किसको लगाएंगे कब बेटा, हमेशा याद रखना क्रिया के पहले, तो क्रिया क्या है, लिख रही है, अब लिख रही है के पहले क्या लगाओ, अदिति क्या लिख रही है, अदिति किसको लिख रही है, जवाब मिला नहीं मिला, तो अदिति लिख रही है क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। ध्यान देना, जिसमें कर्म ही नहीं है, इसमें लिख रही तो क्रिया है, अदिति करता है लेकिन कर्म ही नहीं है। अगला एग्जाम्पल, आस्था सब्जी बना रही है, तो बना रही है क्या है, क्रिया के पहले क्या है, कर्म, क्या बना रही है, सब्जी, किसको बना रही है, सब्जी, मतलब जहां क्या और किसको लगाने से प्रश्न बन जाए वहां सकर्मक क्रिया, और जहां क्या किसको लगाने से प्रश्न न बने वहां अकर्मक क्रिया। दूसरा, अगला एग्जाम्पल की बात करें तो वैभव खेलता है, इसमें क्रिया क्या है, खेलता है, वैभव क्या है, कर्ता, तो क्रिया के पहले क्या लगाओ, वैभव क्या खेलता है, जवाब मिला नहीं मिला, वैभव किसको खेलता है, जवाब मिला नहीं मिला, तो याद रखना कि जहां क्या किसको लगाने से उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया, और जहां क्या किसको लगाने से उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया को और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं। उसके पहले यही मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, ध्यान देना, कर्तृ, कर्तृ याद रखना, कर्तृ मतलब कर्ता, कर्तृ से क्या बना, कर्ता, कर्तृ से, ध्यान देना, कर्तृ से क्या बना, कर्ता, कर्म से क्या बना, कर्म, कर्मवाच्य, कर्म शुरू में क्या आया, कर्म, भाववाच्य शुरू में क्या आया, भाव, शुरू में क्या आया, भाव, इसमें शुरू में क्या आया, कर्तृ, कर्तृ मतलब कर्ता, ध्यान देना, कर्तृ मतलब कर्ता, कर्म मतलब कर्म, और भाव मतलब भाव। आपका नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो
वो भाववाच्य। अब आइए हम आगे देखते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, मैंने आपको पहले ही बोला कर्तृ मतलब कर्ता, तो कर्ता की प्रधानता हो और वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो उसे कर्तृवाच्य कहते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिया। मैंने आपको पहले ही बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिया। ये मैंने आपको पहले ही बोला, इसका ट्रिक भी देख लो। सबसे आसान ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला ट्रिक से के द्वारा नहीं आता। अब वो सेंटेंस पढ़ोगे आपको उसमें से के द्वारा नहीं दिखेगा, मतलब कोई सेंटेंस दिया उसमें से के द्वारा नहीं दिखा तो कर्तृवाच्य, याद रखना से के द्वारा नहीं दिखा तो कर्तृवाच्य। दूसरा ट्रिक भी मैंने आपको दिया कि इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं आती है, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं आती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप और अच्छे से समझेगा, प्रतीक पुस्तक पढ़ता है। अब तीनों एग्जाम्पल में, राधिका पुस्तक पढ़ती है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तीनों एग्जाम्पल में आपको कहीं से के द्वारा दिखा। पहला ट्रिक याद रखना, कर्तृवाच्य में से के द्वारा नहीं आता, से के द्वारा नहीं आता। अगर कोई सेंटेंस दिया है उसमें से या के द्वारा नहीं दिखा तो आंख बंद करके लिखोगे कर्तृवाच्य। और मैंने दूसरा ट्रिक क्या बताया, सकर्मक अकर्मक क्रिया आती है और क्रिया कर्ता के अनुसार लगी रहती है। ध्यान देना, क्रिया कर्ता के अनुसार लगी रहती है, ये और पहचान है। इसमें क्रिया क्या है, पढ़ता पढ़ता। इसमें क्रिया क्या है, पढ़ती है। अब ध्यान दो, पढ़ता है किसके अनुसार लगा है, प्रतीक के अनुसार। प्रतीक मेल पुल्लिंग तो पढ़ता है, इसमें दूसरे में राधिका स्त्रीलिंग तो पढ़ती है, तीसरे में बच्चे मतलब कर्ता कौन, बच्चे, तो बच्चे के हिसाब से क्या लगा है, पढ़ते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला सकर्मक अकर्मक क्रिया दोनों आती है, मैंने आपको पहले ही बोला सकर्मक अकर्मक क्रिया दोनों आती है। तो सकर्मक क्रिया हमने पीछे क्या पढ़ा, जिसमें कर्म हो, कर्म क्या है, पुस्तक, कर्म क्या है, पुस्तक, लेकिन इसमें कर्म है ही नहीं तो ये अकर्मक क्रिया। तो एक ही ट्रिक याद रखना, सबसे आसान ट्रिक, कोई सेंटेंस दिया पहचानने के लिए से के द्वारा नहीं है मतलब कर्तृवाच्य, सबसे आसान। से के द्वारा नहीं है कर्तृवाच्य, प्रतीक पुस्तक पढ़ता है, राधिका पुस्तक पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, राम क्रिकेट खेलता है, मोहन फुटबॉल खेलता है, जिसमें से के द्वारा नहीं दिखा वो कर्तृवाच्य। उम्मीद करता हूं इतना अभी तक आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया अभी तक तो लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। आपका यही प्यार मुझे चाहिए जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है, हमारे अंदर एक उत्साह भरता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आप अपना ये प्यार मुझे देते रहिए और हिंदी परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य की तरफ, किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। मैंने आपको पहले ही बोला कर्तृ मतलब कर्ता की प्रधानता, कर्म मतलब कर्म की प्रधानता। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार लगी हो, वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार लगी हो वही होता है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में मैंने क्या पढ़ा, वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार लगी होती है। अब कर्म में क्या पढ़ रहा हूं, वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार लगी रहती है। और इसका ट्रिक क्या, मैंने कर्तृवाच्य का ट्रिक क्या पढ़ा कि से के द्वारा नहीं आता, इसमें क्या है, से के द्वारा आता है। और मैंने कर्तृवाच्य में क्या पढ़ा, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं आती है लेकिन इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया आती है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं आती। इसलिए मैं आपको पहले ही बोला कि क्रिया समझना बहुत जरूरी है और उसमें भी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया भी समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां से प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा गया है वो मैं आपको बता दूं। जैसे किस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती है, तो याद रखो कर्तृवाच्य। किस वाक्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया आती है, तो कर्मवाच्य।
और किस वाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया आती है, तो वो है भाववाच्य, वो आगे आएगा। तो याद रखना ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया आती है, तो सकर्मक अकर्मक दोनों, कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया आती है, तो सिर्फ सकर्मक, याद रखना, और भाववाच्य में कौन सी आती है, सिर्फ अकर्मक। तो सिर्फ सकर्मक, सिर्फ अकर्मक और सकर्मक अकर्मक दोनों। तो ट्रिक यही है, याद रखना, से के द्वारा मिलता है, कोई सेंटेंस दिया है आपको उसमें से के द्वारा दिख गया मतलब कर्मवाच्य। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रतीक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राधिका के द्वारा फल खरीदा जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि कर्ता की क्रिया, कर्तवाक्य की क्रिया किसके अनुसार लगी होती है, कर्म के अनुसार। अब अगर एग्जाम्पल देखे तो पढ़ी जाती है, एग्जाम्पल की बात करें तो पढ़ी जाती है, ये हमारी क्रिया है। खरीदा जाता है, ये हमारी क्रिया है। यही समझ लेना, कभी डाउट आएगा ही नहीं। पढ़ी जाती है क्रिया, खरीदा जाता है क्रिया, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्रिया वो किसके अनुसार लगी होनी चाहिए, कर्म के अनुसार। अगर कर्ता के अनुसार लगी है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार लगी है तो कर्मवाच्य। देखते हैं इसमें कर्ता क्या है, प्रतीक, प्रतीक तो पुल्लिंग है, तो प्रतीक के अनुसार अगर लगी होती तो यहां पढ़ी जाती आता, क्या पढ़ा जाता था, मतलब प्रतीक के अनुसार नहीं लगाए तो किसके अनुसार लगाए, पुस्तक के अनुसार लगाए, तो क्या हो गया, कर्मवाच्य। राधिका तो स्त्रीलिंग है ना, अगर राधिका के अनुसार लगा होता यहाँ खरीदी जाती होता, ध्यान देना खरीदा की जगह खरीदी होता, लेकिन यहाँ क्या है, खरीदा, तो किसके अनुसार लगाए, फल के अनुसार लगाए। तो फल क्या है, कर्म है, फल क्या है, कर्म है। और मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूं, सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, पुस्तक पढ़ी जाती है, फल खरीदा जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जिसमें कर्ता गायब होता है। जैसे पतंग उड़ रही है, चाय बन रही है, अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, तुरंत बोल देते हैं इसमें पतंग तो करता है, गलत, चाय तो करता है, गलत। अरे पतंग अपने आप थोड़ी ना उड़ती है, उसे उड़ाने वाला कोई तो इंसान है, चाय अपने आप थोड़ी ना बनती है, उसे बनाने वाला कोई तो है। तो यहाँ कर्ता का लोप है, यहाँ कर्ता नहीं है, ध्यान देना। जैसे सड़क बन रही है, अब सड़क खुद से तो नहीं बनती ना, उसे बनाने वाला कोई है, तो यहाँ यहाँ क्रिया किसके अनुसार लगी है, उड़ रही है, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, बन रही है किसके अनुसार लगी है, कर्म के अनुसार। कर्म क्या है, चाय, कर्म क्या है, पतंग, क्योंकि इसके पहले आप बनाओगे ना, कर्ता जोड़ोगे ना, तो राम के द्वारा चाय बन रही है, या राम चाय बना रहा है। तो याद रखना, जिसमें कर्म प्रधान हो, जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार लगी हो, जिसमें से के द्वारा मिल जाए, वो कर्मवाच्य। इतना तो समझा होगा, उम्मीद करता हूं अभी तक इतना तो समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, तीसरा भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, कर्तृकर्ता, कर्म वाच्य में कर्म, भाव वाच्य में भाव की प्रधानता होती है, और वाक्य की क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ट्रिक की बात करें, से के द्वारा प्लस अकर्मक क्रिया, मैंने आपको पहले ही बोला से के द्वारा प्लस अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच में सकर्मक अकर्मक दोनों, कर्मवाच में सिर्फ सकर्मक और भाववाच में सिर्फ अकर्मक। इससे प्रश्न अक्सर पूछता है, याद रखना, भाववाच्य से सिर्फ अकर्मक, कर्मवाच्य से सिर्फ सकर्मक,
और कर्त से दोनों। अब इसमें और अगला ट्रिक है, 99% नहीं शब्द मिलता है, निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी से के द्वारा होता है लेकिन भाव का पता चलता है, भाव की प्रधानता होती है, भाव का पता चलता है। जैसे मैं बात करूं, प्रतीक से पढ़ा नहीं जाता, प्रतीक से पढ़ा नहीं जाता। अब नहीं शब्द मिल गया, मैंने बोला 99%। राधा से लिखा नहीं जाता, 99%। ओम से तेज दौड़ा जाता है, इसमें मैंने क्या बोला, से के द्वारा से मिला, यहां से मिला। हमेशा याद रखना, कर्मवाच में भी से के द्वारा होता है और भाववाच में भी से के द्वारा होता है, लेकिन भाववाच में अकर्म क्रिया होती है। दोनों में अंतर समझना, दोनों में अंतर क्या है, इसमें सकर्म क्रिया आती है और इसमें अकर्म क्रिया आती है, यही फर्क है। और सकर्मक अकर्मक पहचानने का मैंने ट्रिक आपको बता दिया है, और नहीं समझा है तो मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा सकर्मक अकर्मक क्रिया का, उसे जरूर देख लेना। जिसमें कर्म हो सकर्मक, कर्म नहीं है अकर्मक, क्या और किसको से प्रश्न बन जाए, उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, नहीं मिले तो अकर्मक। प्रतीक से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना क्रिया है, प्रतीक से क्या नहीं जाता, किसको नहीं जाता, प्रश्न ही नहीं बनेगा। राधा से क्या नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, मिल गया। राधा से किसको नहीं जाता, गलत। तो हमेशा याद रखना, भाववाच्य में से के द्वारा के साथ अकर्मक क्रिया होती है और 99% नहीं शब्द मिलता है, निगेटिव सेंटेंस मिलता है। अब इतना आपको समझा होगा, अब आगे हम ये देखते हैं कि आखिर एग्जाम में, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है। चलो वो भी आपका क्लियर कर देता हूं, आज के बाद आपको वाच्य में कभी डाउट आएगा ही नहीं। तो वाच्य के तीन ही प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो अमन क्रिकेट खेलता है, किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, कर्तृवाच्य कर्ता, कर्तृवाच्य कर्ता, कर्मवाच्य कर्म। अब इसमें खेलता है किसके अनुसार लगा है, अमन के अनुसार। कर्मवाच में मैंने क्या बोला था, से के द्वारा दिखा मतलब कर्मवाच, अमन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, के द्वारा दिखा मतलब कर्मवाच, अमन से खेला नहीं जाता, नहीं दिखा मतलब भाववाच, निगेटिव सेंटेंस 99%। अमन से खेला नहीं जाता, अमन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, अमन क्रिकेट खेलता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो डायनमो पबजी खेलता है, आजकल के न्यू जनरेशन की सबसे पसंदीदा, न्यू जनरेशन का सबसे पसंदीदा गेम पबजी, कभी नहीं भूलोगे ये याद रखना, डायनमो पबजी खेलता है। डायनमो के द्वारा दिखा मतलब कर्मवाच, डायनमो से खेला नहीं जाता, भाव को प्रदर्शित कर रहा है, भाव क्या है, खेला नहीं जाता। तो डायनमो पबजी खेलता है, क्रिया किसके अनुसार लगी है, कर्ता के अनुसार। खेत के द्वारा दिखा मतलब कर्मवाच, नहीं दिखा मतलब भाववाच। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो स्तुति पत्र लिखती है, तो स्तुति के द्वारा पत्र लिखा जाता है, स्तुति से पत्र नहीं लिखा जाता, 99% निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, कर्तृवाच्य और भाववाच्य में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो भाववाच्य में आपको अक्सर से मिलेगा, उसमें ज्यादातर से मिलता है, उसमें के द्वारा कम मिलता है। आप कभी भी देखो, राम से दौड़ा नहीं जाता, मोहन से खेला नहीं जाता, पंकज से पढ़ा नहीं जाता, आदित्य से सोया नहीं जाता, आदर्श से
गाया नहीं जाता, उसमें अक्सर से मिलता। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं अभी तक तो आपको समझा होगा। आगे देखते हैं। अब एग्जाम में पहचानने के लिए भी आता है, बदलने के लिए। तो बदलने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अमन क्रिकेट खेलता है, कर्मवाची में बदलना है के द्वारा से लगा दो। अमन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, अमन से खेला नहीं जाता। कभी कभी ना बेटा, कर्मवाच्य और भाववाच्य सेम रहते हैं। अगर आपने अमन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है भी लिख दिया तो भी भाववाच्य में अक्सर आ जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि 99% निगेटिव सेंटेंस भाववाच्य। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भाववाचक हो गया है, यहाँ भाववाच्य होगा। आई रिपीट अगेन, यहाँ भाववाच्य होगा। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना मेहनत लगता है टाइपिंग करने में, इतना मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो कहीं कहीं गलती हो जाती है। तो आप इतने समझदार हो या आप समझ सकते हो, वो भाववाच्य है। और गलती होती है तभी तो मैं इंसान हूं। हमारे अंदर भी कमी है, हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन हमारे बच्चे उसे समझते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि गलती इंसान से होती है और हमसे गलती ना होती तो हम भगवान होते। इसलिए याद रखना, यहाँ भाववाच्य होगा, यहाँ गलती से भाववाचक हो गया है। तो अब आगे हम चलते हैं कि पहचानने के लिए आता है तो पहचानेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो बदलने के लिए आता है या तो पहचानने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ध्यान देना, से के द्वारा न दिखे तो कर्तृवाच्य। अब इसमें तो द्वारा दिख गया, मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं है। ध्यान देना, कर्तृवाच्य नहीं है। अब या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा, क्योंकि वाच्य तीन ही है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें से के द्वारा दिख गया मतलब कर्तृवाच्य नहीं, खत्म। अब दो में से एक है, या तो कर्मवाच्य है या तो भाववाच्य है। अब मैंने भाववाच्य का क्या बोला, निगेटिव सेंटेंस नहीं शब्द दिखा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं दिखा। तो दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है क्या हो गया हमारा, कर्मवाच्य, खत्म। एक ही ट्रिक अपनाओगे, कभी कभी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो विधवा से रोया नहीं जाता, विधवा से रोया नहीं जाता। मैंने बोला ना, से के पहले हटा दो, रोया नहीं जाता। नहीं जाता मतलब भाववाचक, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। भूमि निबंध लिख रही है। अब ध्यान देना, भूमि निबंध लिख रही है, आसान से। पहले यही ट्रिक, पहले यही देखो, से के द्वारा दिखा क्या? अगर से के द्वारा दिख गया तो मतलब या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। अब उसके बाद नहीं देखो, नहीं दिखा मतलब भाववाच्य है। से के द्वारा के साथ नहीं भी है तो भाववाच्य। हाँ बेटा, एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह है, वो मैं डीप में और बताने जाऊंगा तो आप सब गलत करके आओगे, सब आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं जितने में आपका काम हो जाए, जितने में आपको मार्क्स मिल जाए, इसलिए हमेशा याद रखना। अब इसमें देखो, भूमि निबंध लिख रही है। अब निबंध इसमें से के द्वारा दिखा क्या? से के द्वारा दिखा नहीं, मतलब तुरंत हमारा उत्तर मिल गया, कर्तृवाच्य, खत्म। दूसरा ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। से के द्वारा नहीं दिखा मतलब कर्तृवाच्य, दिखा तो कर्म या भाव होगा। फिर हम अगला ट्रिक, अर्पित से दौड़ा नहीं जाता, अर्पित से दौड़ा नहीं जाता, इसमें से मिल गया मतलब कर्तृवाच्य नहीं है। अब या तो कर्मवाच्य है या तो भाववाच्य है, तो उन से के साथ साथ क्या मिला, से के साथ साथ क्या मिला, नहीं। ध्यान रखो, से के साथ हमें क्या मिला, तो नहीं मिला, नहीं मतलब भाववाच्य। अगर इस तरीके से आप जाओगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं, प्रद्युम्न जोर जोर से हंस रहा है। जोर जोर से, ध्यान देना, जोर जोर से सबसे इंपॉर्टेंट है। से आ गया, या तो कर्मवाच्य या तो भाववाच्य। प्रद्युम्न जोर जोर से हंस रहा है। अब हंस रहा है क्रिया है, उसके पहले क्या लगाओ? प्रदुम, क्या हंस, कौन हंस, किस से, सवाल ही नहीं, प्रश्न। क्या से भी उत्तर नहीं मिला, किस से भी उत्तर नहीं मिला, तो ये क्या हो गया हमारा, भाववाच्य।
अकर्मक क्रिया दिखी मतलब भाववाच, अकर्मक क्रिया दिखी मतलब भाववाच। यही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अभी हमने वाच्य परिवर्तन करना सीख लिया, वाच्य पहचानना सीख लिया, वाच्य किसे कहते हैं वो भी जान लिया। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले एग्जाम में वाच्य से संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है, आपका वाच्य क्लियर हो गया है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि वीडियो पर आए लाइक कमेंट हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।